सो वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम कैमल की तरफ से आने वाला आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर की बात करेंगे, जो 12 शेड्स वाले कलर्स आते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। इसका रिव्यू करके देखेंगे और इसको यूज़ करके भी देखेंगे थोड़ा कि ये किस तरह से इसका कलर क्वालिटी क्या है, इसका पिगमेंट किस तरह से बनता है। सो दोस्तों, एक वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए, इसी तरह के ड्राइंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे पास कैमल का आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा पैकेट है और ये टोटल इसमें 12 ट्यूब हैं और सभी ट्यूब्स 40 ml के हैं। उसके अलावा इसमें इंक्लूडेड जेल और रिटार्डर मीडियम दिया हुआ है। ये जेल और रिटार्डर मीडियम क्या करते हैं, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा इसके बगल में देख सकते हैं आप, इसमें पूरा एक्रेलिक कलर और कैमल की ब्रांडिंग दी हुई है। वहीं पीछे की तरफ साइड में इसको देखें तो इसमें क्योंकि वो कैमलिन ब्रांड का जो है वो डिटेल दिया हुआ है। और MRP की बात करें तो इसमें 1100 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है। हालाँकि ये कितने प्राइस का है, कितना दाम में आपको मिल जाएगा, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। वहीं अगर पीछे की तरफ देखें दोस्तों, तो इसमें टोटल जो 12 कलर्स हैं वो इसमें विथ शेड किए हुए इसमें बना हुआ है। आप इसमें उसका नाम और उसके डिटेल उसके टोन्स को देख सकते हैं। वहीं इसके जेल मीडियम और रिटार्डर मीडियम की बात करें तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको क्या कैसे यूज़ किया जाता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सभी टोटल 14 ट्यूब्स आपको मिल जाते हैं। सभी ट्यूब्स आपको 40 ml के हैं। हालांकि इसमें दो ट्यूब जो है, एक ट्यूब जेल मीडियम है और दूसरा ट्यूब रिटार्डर मीडियम है, और बचे टोटल जो 12 ट्यूब्स हैं वो आपके कलर्स के ट्यूब्स हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर वाला जेल मीडियम है और दूसरा जो ग्रीन कलर वाला है ये रिटार्डर मीडियम है। इसका यूज़ कैसे करते हैं आगे मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा और कहाँ पे इसका यूज होता है वो भी मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगा। और वहीं दोस्तों, इसके अगर ट्यूब की बात करें तो ये प्लास्टिक वाला ट्यूब है, जो प्लास्टिक का थोड़ा रबर टाइप का ट्यूब होता है, उस तरह का ट्यूब है। चलिए इसको यूज़ करते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या खासियत है। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही इस पेपर पे एक चार्ट बना लिया हूँ, सभी कलर्स के नाम लिख लिए और उसी पे मैं इस कलर को अप्लाई करके चेक करूँगा। ये नॉर्मल A3 साइज़ का कॉटेज पेपर है और इसी पे मैं इस कलर को अप्लाई करके देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं टाइटेनियम वाइट का यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। उसके बाद मैं अब लेमन येलो को अप्लाई करूँगा और मैं बता दूँ आपको कि इसमें थोड़ा सा मैं पानी का यूज़ कर रहा हूँ सभी कलर्स को अप्लाई करने से पहले, क्योंकि एक ही ब्रश से मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूं तो बार बार ब्रश धोलना पड़ रहा है, तो उसमें जो पानी बच जा रहा है उसी पानी यानी उसी वाटर को लेके उस कलर को मिक्स करके उसको अप्लाई कर रहा हूं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उसकी थोड़ा सा कलर की थिकनेस थोड़ी सी कम होगी। ओवरऑल अगर इस आर्टिस्ट वाटर कलर की बात करें इस कैमल के, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक्रेलिक कलर है, आप इसको ले सकते हैं। हालाँकि इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसमें प्राइस में इस पैकेट पर लिखा हुआ है टोटल 1100, लेकिन अगर आप इसको अमेजन से ख़रीदते हैं तो ये आपको 990 रुपये का पड़ जाता है। वहीं अगर आप इसको मार्केट से ख़रीदते हैं तो शायद ये आपको और सस्ता पड़ जाए। मुझे ये मार्केट से थोड़ा सा और सस्ते में मिला, हालांकि मैं भूल गया हूं अभी कितने का था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो पानी मिलाने की वजह से जो इस कलर की थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है और ये थोड़ा सा पतला हो गया है। हालाँकि अगर कलर की बात करें तो कलर की क्वान्टिटी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रही बात दोस्तों कि इससे अच्छे ब्रांड और इससे अच्छे कलर की अगर बात करें एक्रेलिक कलर की, तो वो आप इससे अच्छे और बढ़िया ब्रांड के और भी अच्छे क्वालिटी के कलर ले सकते हैं आप एक्रेलिक कलर। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यही आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है वैसे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वर्क काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल है और आपको प्रोफेशनल वर्क करने हैं, तो आप इससे भी अच्छा क्वालिटी का एक्रेलिक कलर ले सकते हैं। हालांकि अगर इस कलर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एक्रेलिक कलर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर इसके शेड की, इसके टोन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये सभी कलर्स आपस में सूख गए हैं और एक्रेलिक कलर काफ़ी जल्दी सूख जाता है। हालांकि इसमें जो जेल मीडियम और रिटार्डर मीडियम दिया है उसका यूज़ करके मैं बताऊँगा कि वो किस तरह से सूखता है, किस तरह से उसकी क्वालिटी क्या होती है पेंट करने के बाद। इस एक्रेलिक कलर की बात करें तो इसका टोन और इसका सेचुरेशन काफ़ी अच्छा है, आपको दिख भी रहा होगा वो। और जबकि ये काफ़ी पतला, मैंने पानी अप्लाई करके इसको यूज़ किया है, काफ़ी पतला है, फिर भी इसका सेचुरेशन काफ़ी अच्छा है, इसका टोन काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर आप इसको ओपेक की तरह यूज़ करते हैं तो भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इसको देख लेते हैं, इसका जेल मीडियम और रिटार्डर मीडियम का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं रिटार्डर मीडियम का यूज़ करूंगा और जैसा कि आपको पीछे इस पैकेट के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा कि रिटार्डर मीडियम का यूज़ किस लिए किया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि रिटार्डर मीडियम का यूज़ ऑयल कलर में, जिस तरह से ऑयल का एक
लिंसिड ऑयल का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से इसको आप एक्रेलिक कलर में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आर्ट वर्क होता है वो जल्दी से सूखता नहीं है, उसकी जो उसका क्वालिटी होती है, उसकी जो नरमी होती है वो बनी रहती है हमेशा, वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, जिसकी वजह से आप उस पर और भी अच्छे से काफ़ी देर तक उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल कलर में होता है, उस पर आप काफ़ी देर तक उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आर्ट वर्क पे आप काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कलर ज़्यादा निकाल लिए हैं और रिटार्डर मीडियम से उसको मिला चुके हैं, उसको मिक्स कर चुके हैं इसके रिटार्डर मीडियम के माध्यम से, तो वो जल्दी सूखता नहीं है और आपका कलर निकलने के बाद भी नमी उसमें बनी रहती है। हालांकि एक्रेलिक कलर को अगर आप बाहर निकाल दें, अगर अपने पैलेट पे निकाल दें, तो वो काफ़ी जल्दी सूख जाता है। हालांकि जब आप रिटार्डर मीडियम का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसकी नमी बनी रहती है। उसके अलावा आर्ट वर्क जब आप करेंगे तो उसको हाईलाइट वगैरह करने में आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आपने एक्रेलिक कलर का यूज़ कभी नहीं किया है, तो सबसे पहले आप रिटार्डर मीडियम का यूज़ करके ही उसको करें, ताकि आपको आर्ट वर्क करने में आपके पास टाइम ज़्यादा मिले। आर्ट वर्क करते ही, क्योंकि एक्रेलिक कलर काफ़ी जल्दी सूख जाता है, तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम होगा तो आप अपना ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे। वहीं अगर जेल मीडियम की बात करें दोस्तों, तो इससे आप जो इम्पास्टो टेक्निक होता है, जो इम्पास्टो की पेंटिंग होती है, यानी कि जो इम्पास्टो टेक्निक वाली पेंटिंग्स होती हैं, वो अगर आपको नहीं पता तो आपको ये स्क्रीन पर उस टाइप की पेंटिंग्स दिख रहे होंगी, उस टाइप की पेंटिंग्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये आपके कलर को काफ़ी मोटा कर देता है, उसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ जाती है। उसकी थिकनेस का मतलब ये कि वो कलर काफ़ी मोटा हो जाता है, हालांकि उसका सेचुरेशन और उसका टोन बरकरार रहता है। तो आइए दोस्तों इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कलर की क्वांटिटी लगभग 75% होनी चाहिए और जेल की क्वांटिटी इसे 25% होनी चाहिए, तब जाके इसका वो इम्पैक्ट आएगा जो इम्पैक्ट आपको चाहिए। इसको जो थिकनेस है वो अगर और मोटा होगा, और इसको तब तक आप मिक्स करते रहें जब तक इसमें छोटे छोटे बबल्स ना बन जाएं और वो काफ़ी थिक ना हो जाए, वो आपके ब्रश से आपको पता चलता रहेगा। सो दोस्तों, जब आप इसको ब्रश से मिक्स करेंगे तो इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता चले जाएगा, ये काफ़ी मोटा होता जाएगा। आपको एक गोंद वाली फीलिंग आएगी ब्रश से इसको बार बार मिक्स करने के बाद, और आपको लगने लगेगा कि ये काफ़ी मोटा होता जा रहा है। और इस कलर का यूज लोग ज़्यादातर नाइफ से और स्पैचुला से करते हैं, हालांकि इसको ब्रश से भी लोग यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ब्रश स्ट्रोक दिखाने के लिए, लेकिन इसको स्पैचुला और नाइफ से यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी कलर मोटा हो जाता है उसके बाद। क्योंकि दोस्तों इस टेक्निक का यूज़ इम्पेस्टो टाइप की पेंटिंग्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सो ओवरऑल अगर इस वाटर कलर इस एक्रेलिक कलर की बात करें, तो ये एक्रेलिक कलर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साथ में आपको दो मीडियम मिल जाते हैं, जेल और रिटार्डेंट मीडियम, वो काफ़ी अच्छी बात है इस एक्रेलिक कलर की। सो दोस्तों, अगर आप किसी एक्रेलिक कलर की तलाश में, तो ये एक्रेलिक कलर आपके लिए बेस्ट है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक्रेलिक कलर है। इसमें जो दिया हुआ रिटार्डेंट मीडियम और जेल मीडियम है वो आपके लिए और भी अच्छा है, वो आपको अगर आप बिगिनर हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इसी एक्रेलिक कलर को यूज़ करके मैं काफ़ी टाइम से कुछ पेंटिंग्स को बनाया हूँ, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते होंगे। हालांकि इस स्क्रीन पे दिख रही वाली पेंटिंग्स में मैंने रिटार्डर मीडियम और जेल मीडियम दोनों मीडियम का यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने वाटर मीडियम का यूज़ करके इस पेंटिंग्स को बनाया है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग से रिलेटेड और भी ढेर सारी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। Thank you so much. Bye-bye.